अभी हम पहुंचे हैं श्री अमरपुरा जल मंदिर, MI रोड जयपुर, वहीं का ये वीडियो बना रहे हैं। शनिवार का दिन है, भैया किस चीज का प्रसाद है ये? मंदिर का है। सुबह से शाम तक चलता है। नमस्कार भैया। नमस्कार। किस चीज का प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ? प्रसाद है गुरु बाबा का स्थान है ये, और पिछले 20 सालों से ये प्रसाद का वितरण सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक निरंतर, कितना भी खाओ कोई मना नहीं है। बाबा ने कि जयपुर शहर में जब यहाँ आए थे। ये जगह कौन सी है? ये अमरापुर स्थान है, यहाँ MI रोड अमरापुर स्थान। तो ये वितरण हमेशा रहता है। देखिए भैया कैसा है प्रसाद? बहुत बढ़िया। ये प्रत्येक दिन वितरण हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए प्रसाद लगातार बड़े भगोनों में भर के आ रहा है। एक और बेटा, एक को ढक्कन हटाना। बिल्कुल ताजा और शाकाहारी प्रसाद बन के आया है। बहन जी नमस्कार, कैसा है प्रसाद बाबा का? बहुत बढ़िया। आइए आइए। नमस्कार सर, ये जो प्रसाद वितरण हो रहा है ये किस चीज का हो रहा है यहाँ? शनिवार रविवार को होता है। बाहर तो ये 12 महीने चलता है। 12 महीने। और ये अंदर? अंदर सत्संग होता है डेली, उसके बाद प्रसाद। नमस्कार, आपका शुभ नाम? लगाराम पारवानी। आप क्या सेवा कर रहे हो जलपान की? सेवा कब से कर रहे हो? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल से कर रहे हो। ये देखिए बिल्कुल शुद्ध जल वगैरह। और इधर नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कब से कर रहे हो यहाँ सेवा? 14 साल हो गए। देखिए बिल्कुल भगोने भर के प्रसाद आ रहे हैं। ये देखिए ये भगोने पूरे प्रसाद के भरे हुए हैं। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? ये जो प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा है ये यहाँ कब से हो रहा है? चालीस साल से। लगभग प्रत्येक दिन कितना प्रसाद वितरण हो जाता होगा? कितना
प्रसाद वितरण हो जाता है प्रत्येक दिन। एक भगोने में कितना है? एक भगोने में 25 ये लगभग 300-3 क्विंटल के लगभग प्रसाद वितरण हो रहा है प्रत्येक दिन। ये देखिए लाइन लगी हुई है प्रसाद लेने में, सुबह से लेके शाम तक लगभग प्रत्येक दिन 3 क्विंटल के लगभग प्रसाद का वितरण यहाँ किया जा रहा है। ये देखिए ये जितने भी भगोने हैं सभी प्रसाद के भरे हुए रखे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ये कब से प्रसाद यहाँ वितरण हो रहा है? परसों हो गए। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा और गर्मा गर्म प्रसाद बन के आया है। लगभग 3 क्विंटल प्रसाद सुबह से शाम तक यहाँ पिछले 40 सालों से वितरण हो रहा है और सभी श्रद्धालु लाइन लगाकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए लाइन लगी हुई है सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक। बाबा का प्रसाद लगभग प्रत्येक दिन 3 क्विंटल ताज़ा प्रसाद बन के वितरण हो रहा है। बिल्कुल अनुशासित काम है, लाइन लग के सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इधर शुद्ध जलपान की व्यवस्था की हुई है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? परमानंद जी। ये जो यहाँ बाबा का प्रसाद वितरण हो रहा है लगभग कितने वर्षों से हो रहा है? ये लगभग 50 वर्ष से हो रहा है। 50 वर्ष से हो रहा है। सुबह कितने बजे से शुरू होता है, कितने बजे तक वितरण होता है? 8 बजे शुरू होता है सुबह, शाम को 7 बजे समाप्त होता है। लगभग कितना क्विंटल प्रसाद वितरण हो जाता होगा? लगभग देखो ये 3 क्विंटल तो खत्म हो जाता है। 3 क्विंटल के लगभग प्रत्येक दिन है? 3 क्विंटल के करीब प्रत्येक दिन वितरण हो रहा है। चावल बताऊंगा आपको कितने खत्म होते हैं। चावल होते हैं 12 किलो के करीब, 22-25 भगोने लग जाते हैं। 25 किलो के एक भगोना बता रहे हैं? 25 किलो का ही भगोना बनता है। 25 किलो का ही बनता है। हम बढ़ाते ना अंदर। हाँ अंदर भी है क्या व्यवस्था? अंदर भी देखते हैं। हम बढ़ाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं लोग। अंदर भी प्रसाद बढ़ता अलग है, वो देखते हैं, वो भी बनाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और पावन जन्म महोत्सव पर जो पिछले 50 वर्षों से प्रसाद वितरण हो रहा है उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट अवश्य करना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ये देखिए अगर कोई घर भी ले जाना चाहता है प्रसाद तो थैलियों में पैक करके भी दे रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ प्रसाद बाबा का ग्रहण कर रहे हैं। लाइन लगी हुई है, सुबह का समय है। निःशुल्क सेवा भाव से सेवा की जा रही है।